तस्मै श्री गुरवे नमः। नीला पदश्याम कोमलाम सीता समारा विदमा काणो महासायक चारुतापम नमामि रामम रघुवं सदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे करुणात्मनि प्रणतकलेशनाशाय गुरुंदाय नमो नमः। बोले रहे रामचंद्र महाराज। आइए शोक सभा में आए हुए सभी सज्जन और मंत्री प्रार्थना के दो घंटे भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। कुछ समय बाद उसी गली में जहां पे वह व्यापारी रहता था उस समय एक बालक हो रहा था। वह खेल कूद में इतना व्यस्त था कि उसे यह नहीं पता लगा कि कब वह नाले में गिर गया। और उनके घर के साथ ही शादी का माहौल था, उनकी माता वहां पर तैयार होके उस शादी में गई। जैसे ही बालक खेल कूदा था, खेल कूदते कूदते एक नाले में गिरा, किसी ने जाकर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन उस भीड़ ने उस बालक को बाहर नहीं निकाला। कहते मेरे ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैंने आज ये नवे पहना है, ये मैंने बांध कर पहना है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे भैया, हम नहीं निकालेंगे इसको, जाओ इसकी मां को बता के आओ कि तुम्हारा बालक उस नाले में गिर गया। इतना सुनते हुए जैसे ही मां के पास खबर पहुंची कि आपका बालक आपका बेटा नाले में गिर गया है, मां ने ये नहीं देखा कि महंगी साड़ी पहनी हो, काफी देवरात पहने हो, कुछ नहीं सूझा, जाकर देखा कि उनका बालक नाले में गिरा है। तुरंत ही वह नाले में गिर, ये नहीं देखा कि मैंने क्या पहना है, कपड़े हमें हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन भैया मां की प्यार हमें कभी संसार में दोबारा मिलने वाला। इतना सुनते सुनते जब मां का उस बालक को बाहर निकाला सत्य सत्य नमन भवारा। मां तुम्हारे चरणों में
प्रिय माताओं भाइयों बंधुओं, जिस दिवंगत आत्मा के प्रति आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, माता शकुंतला रानी जी जो कुछ समय पहले हमारे बीच में विराजमान थी, लेकिन सृष्टि का विधान ऐसा है जो आया है उसे जाना है। जितनी श्वास हमें प्राप्त है उतनी श्वास को भोगने के बाद उस परमपिता परमात्मा के द्वार हमें जाना।
आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए कृष्ण श्री राम नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम सुख में करे न कोई दुख
में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई सुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे 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 तो दुख का ही कोई बोलो श्री राम के बाद हमें यह मानुष धर्म प्राप्त होता है। यदि हमें यह मानुष धर्म प्राप्त हुआ तो उसे तो हमने आधा समय सोने में गवा दिया और आधा खेल कूद में और आधा परिवार के पुरुष। अगर यह मानव धन हमें प्राप्त हुआ है तो उसमें भागवत स्मरण अवश्य करना चाहिए। भागवत में कहते हैं, जब भागवत जी की कथा लिखी जा रही थी तो उस वक्त देवता सब लोग एकत्रित होके अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए कि आप हमें श्रीमद् भागवत अमृत रूपी कथा सुनाइए जिससे हमें मोक्ष प्रदान। रोज माता जी प्रातःकाल स्नान करके जब मंदिर आया करती थी, उस वक्त तो हम तो बहुत छोटे थे भैया। माता जी का एक नियम था, लेकिन नहीं क्या माता जी एक बार कहें कि हम घर पे बैठ के सुमिरन तो कर ले, लेकिन भगवान को जल अभिषेक करना हो तो मंदिर तो आना ही पड़ेगा ना बेटा। माता जी के इतने अच्छे वाक्य सुनकर हम लोगों का मन पसी जाता था। दिन एक वो मां, वो कहते हैं बेटा तू मुझे माता नहीं तो मुझे मां कहकर बुलाया कर, मैं तेरी दादी की समान हूं तो मुझे मां कहकर बुलाकर मेरे को और अच्छा लगेगा। लेकिन हम कभी भी घर जाते थे ना तो उस वक्त कहते हैं कि गौरव आ गया है, गौरव आ गया, इसको बैठाओ। हमेशा प्यार से बोलना, मिठास। कहते हैं वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए और वो शीतल करे हाथ भी शीतल। उस मां की आवाज में इतनी मधुरता थी, इतनी मधुर वाणी थी भैया, उस वाणी को अब हम कैसे सुन। वो वाणी इतनी मधुर थी, जब मंदिर में आती तो कहें कि चाहे मैं बीमार क्यों ना हो, कुछ क्षण के लिए क्या 15 मिनट या 10 मिनट के लिए आए, लेकिन भगवान श्री शिव का अभिषेक अवश्य करते आए, अभिषेक करके तभी जाते थे। कहते जब तक मैं आकर यहां भगवान के दर्शन ना कर लू, चरणा में ना लू, तब तक मैं घर पे चाय नहीं एक मुंह तक। मां ऐसी थी भैया। कहते हैं संतान के कर्तव्य क्या, उनके पुत्र ने भी मां की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उनके पुत्र और पुत्र वधू और उनकी
भूखियों ने भी पकड़ों ने भी किसी कमी में रखी सेवा, कोई भी बात ते दादी आज ऐसी बात है, आज हमने ये करना, स्कूल में ऐसे हुआ, हमारे स्कूल के टीचर ने ऐसे कहा, दादी भी प्रसन्न हो जाती है और बच्चे भी प्रसन्न हो जाते। कहते हैं ना, संसार में अगर कोई आया है उसे जाना है। अगर हमें ये तन प्राप्त है, हमें सोचते हमें भी ये तन प्राप्त है, हम यहां रहेंगे, लेकिन नहीं भैया, ये हमारी भूल है। हमारे हमने भी अपने एक ने भी सपनी है शरीर छोड़ना है। पंच तत्व का बना यह पिंजरा पंच तत्व में ही विलीन हो जाए। क्या है? कहते हैं संसार में अगर आए हो तो कोई पुण्य करो, बड़ों की सेवा करो, साधु संतों का संग करो। मंदिर में भागवत होती थी भैया, तो उस वक्त माता ये पिन नागा लगातार 7 दिन 7 सप्ताह सुनने आना। सप्ताह सुनना, जाते हुए प्रसाद भी लेके जाना। अगर बैठ कथिकदार प्रसाद खत्म भी हो जाए ना, अंदर आएंगे कि मेरे को प्रसाद दो, तभी मैं प्रसाद लेके घर जाऊंगा। बगैर प्रसाद लिए भैया घर से मंदिर से घर नहीं जाता। मां की महिमा तो वैसे ही सगे संसार में निराली है। अगर मां के नाम की व्याख्या करें, कहते हैं जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुंह से पहला अक्षर क्या निकलता है? मां। कहते हैं मातृदेव हो, पितृदेव हो, आतिथिदेव हो, आचार्य देव हो, आचार्य देव हो। कहते हैं माता पिता गुरु अतिथि संसार में ये 4 ऐसे देव हैं जिनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। इससे भी माता का स्थान पहला स्थान दे गया। क्यों माता का स्थान पहला क्यों दिया? माता 9 महीने बालक को अपने गोद में रखती है, गर्भ में रखती है 9 महीने, उसे बाल पोषण बड़ा करती है, चलना सिखाती है, फिरना सिखाती है, बोलना तक सिखाती है। तो इसलिए माता को प्रथम स्थान, पिता का स्थान दूसरा है, गुरु का स्थान तीसरा है और अतिथि का स्थान चौथा है। माता पिता में परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप है और माता साक्षात लक्ष्मी है, पिता साक्षात नारायण। जिनको माता पिता में जिसको माता पिता में भगवत भाव नहीं होते, उनके मंदिर या मूर्ति में भी कभी भगवान के दर्शन नजर। कहते जब घर के भगवान को खुश रखोगे भैया, तभी उस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर पाओगे। गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं? बाहर छबील लगाते हैं। गर्मियों में हम लोग छबील लगाते हैं, लेकिन उस छबील लगाने का फायदा क्या? जब आपके घर का भगवान खुश नहीं, घर के भगवान को खुश रखो तो बाहर के आदमी तो वैसे ही खुश नहीं। संसार में मां बाप का दर्जा दिया गया सबको। गणेश जी ने सबसे पहले देवताओं में जब हुआ कि संसार में सर्वप्रथम किसकी पूजा होगी, तब सभी ने कहा गणेश जी को और कार्तिकेय जी को। लेकिन उस वक्त कहा कि जो संसार की पहले प्रदीप परिक्रमा करके आएगा उसे ही सर्वप्रथम पूजा का अधिकार दिया। कार्तिक जी अपने मोर पे सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन गणेश जी तो वहीं के वहीं बिना खड़े हुए थे। सब लोग कहे प्रभु आप ही जाइए संसार में, प्रथमा पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए, नहीं तो आपके भाई पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए। गणेश जी ने कहा, गए माता पिता के चरणों में शीश नवाया और माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू की। मां बाप की परिक्रमा की गणेश जी ने, तो देखा कार्तिकेय जी क्या देखते हैं कि मेरे से पहले ही पहले गणेश जी के मूर्छित पदों के निशान आगे आगे जा रहे। लेकिन जैसे कार्तिक जी आगे बढ़े,
तो मूसक के पैर के निशान आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कार्तिक जी सोचे कि गणेश तो अभी तो वहां कैलाश पर्वत में है, लेकिन वो मेरे से पहले आगे कैसे पहुंच गए। गणेश जी ने अपने शंकर जी और पार्वती जी की परिक्रमा की और आकर खड़े हुए। माता पिता के सामने आकर खड़े होकर शीश नवाया और उधर नारद जी ने सभी देवताओं ने पूछा कि आप जाइए परिक्रमा करके आइए। गणेश जी ने बड़े सुंदर वाक्यों में क्या कहा कि प्रभु मैं तो संसार की तीनों परिक्रमा करके चला। सब लोग कहते हैं कि आप तो यहीं पे थे, आप कैसे परिक्रमा करके चले आए, आप तो यहीं पे थे, आप कितनी जल्दी परिक्रमा करके भी चले। कहते मेरे लिए जो कुछ भी है हमारे लिए हमारे माता और पिता, माता ही पिता में संसार है, माता ही पिता में पृथ्वी है, माता ही पिता में भगवान। कहते हैं मां के चरणों में यदि जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है, सेवा तुझको यही मिलेगी, यही सबका विश्वास, विश्वास होना चाहिए। सभी लोगों ने जब देखा गणेश जी के सुंदर वाक्यों में कहा कि मेरे लिए जो कुछ है मेरे माता पिता है जिन्होंने मां बाप की परिक्रमा कर ली, अर्थात उन्होंने सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। सभी ने सुंदर वाक्यों का, सभी ने उस सुंदर वाक्यों को सुना और सभी ने सबको वरदान दी। गणेश जी को वरदान देना पड़ गया कि आपको संसार में कोई भी कार्य हो तो सर्वप्रथम आपकी पूजा होगी, क्यों आपकी पूजा के बगैर कोई भी कार्य सफल नहीं। इसलिए भैया मां के बारे में एक कथा है। एक समय एक व्यापारी था, वो कुछ समय पहले ही भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त हो गया। चरणारविंदों में प्राप्त होने के बाद अब उसका पुत्र और उसकी मां, उसकी धर्मपत्नी अपने घर में, उसकी धर्मपत्नी सेठ की पत्नी जो थी वो काम के लिए घरों में जाती, लोगों के बर्तन साफ करती। बर्तन साफ करके जब घर आती तो देखती कि पुत्र घर पे आराम से बैठा। इतना सुनते जब बालक कुछ बड़ा हुआ तो वह प्रेम के चक्कर में पड़ गया, प्रेम के जाल में फंस गया। और जाल में फंसने के बाद उसने क्या किया, एक वैश्या से प्यार हो गया। जब वैश्या से प्यार हुआ तो कुछ क्षण, कुछ महीने बीते साल हुए। एक समय उस वैश्या के पास जब वह बालक आया तो उस बालक ने जाकर उस वैश्या से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम मेरे से शादी करो। इतना सुनते उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे परीक्षा देनी होगी। मैं तुम्हारे कथन को तब मानूंगी जब तुम अपने मां का दिल लाकर कलेजा लाकर मुझे दोगे, तब मैं मानूंगी कि तुम उससे सच्चा प्यार। इतना सुनते हुए खुशी से व्यापारी का बेटा खुशी से दौड़ता हुआ अपने घर गया। जब घर पहुंचा, घर पहुंचते जाकर देखा कि मां आ चुकी है। मां ने खाना बनाया, कहा कि पुत्र तुम जाओ हाथ मुंह धो के आओ और आकर भोजन करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर दिया, आओ तू सारा दिन बाहर रहा, आओ तू आकर भोजन करो। इतना सुनते बालक गया, हाथ मुंह धोया, आकर भोजन ग्रहण में आकर बैठा। माता ने भोजन परोसा, खाया, बालक ने भोजन किया और अपने कक्ष में चला गया।
कक्ष में गया, सोचने लगा कि मैं उस वैश्या को जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसने तो मुझसे कहा है कि जाओ अपनी माँ का दिल लाकर दो, तब मैं ये मानूंगी कि तुम सच्चा प्यार मुझसे करते। इतना सुनते उस वैश्या ने, उस बालक ने उठा, वह बालक उठा और गया भोजनालय गृह में, गया वहां से एक चाकू खाया और जहां पर मां सो रही थी वहां जाकर मां के कलेजे में मारा और कलेजा निकाल कर तुरंत उस वैश्य के पास। जैसे ही मैं वैश्य के पास पहुंचा, जाकर दरवाजा खड़काया कि लो तुमने कह रहा कि जाओ अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो जाओ अपनी माँ का कलेजा ला के दो, लो मैं तुमको अपनी माँ का कलेजा ला कर दे दिया। देखा मैंने साबित कर दिया ना कि तुमने मेरे तुमसे सच्चा प्यार किया। लेकिन भैया माँ की महिमा उसका वर्णन हम भी नहीं कर सकते। जैसे ही देखा कि यह तो बालक, यह लड़का जो पागल हो गया है, इसने में शहर में जाकर अपनी माँ का कलेजा लाकर मुझे दे दिया। तुरंत ही उसने सिपाहियों को बुलाया और कहा इसने अपने माँ का कत्ल किया है, देखो ये अपनी माँ का कलेजा काल कर लाकर दिखाया है। बालक ने कहा इसने मुझसे कहा था यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाओ अपनी माँ का कलेजा लाकर। जैसे ही सिपाहियों ने उसे पकड़ा, सिपाही पकड़े, उस वैश्य ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था, इससे मुझे पता लगता है कि जो अपनी मां का ना हो सका वो आगे चल के मेरा क्या होगा। लेकिन भैया जैसे ही सिपाही उस बालक को पकड़ कर लेके जाने से ठोकर खाके उस बालक के हाथ से मां का कलेजा भैया गिर गया। जैसे ही माँ का कलेजा गिरा उस कलेजे से आवाज आई, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई, कहीं तुझे लगी तो नहीं। इतना सुनते ही बालक रो उठा, कहने लगा कि माँ मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या ऐसा अपराध हो गया इतना बड़ा जिससे मैं तुझे भी खो बैठा। सिपाहियों से उस मां के कलेजे ने कहा कि मेरा बालक निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो। भैया मां की महिमा इतनी बड़ी है कि हम लोग भी उस महिमा को गा नहीं सकते। कुछ समय बाद उसी गली में जहां पे वह व्यापारी रहता था उस समय एक बालक और है, वह खेल कूद में इतना व्यस्त था कि उसे यह नहीं पता लगा कि कब वह नाले में गिर गया। और उनके घर के साथ ही शादी का माहौल था, उनकी माता वहां पर तैयार होके उस शादी में गई। जैसे ही बालक खेल कूदा था, खेल कूदते कूदते एक नाले में गिरा, किसी ने जाकर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन उस भीड़ ने उस बालक को बाहर नहीं निकाला। कहते मेरे ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैंने आज ये नवे पहना है, ये मैंने बांध कर पहना है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे भैया, हम नहीं निकालेंगे इसको, जाओ इसकी मां को बता के आओ कि तुम्हारा बालक इस नाले में गिर गया। इतना सुनते हुए जैसे ही मां के पास खबर पहुंची कि आपका बालक, आपका बेटा नाले में गिर गया है, मां ने ये नहीं देखा कि महंगी साड़ी पहनी हो, काफी देवरात पहने हो, कुछ नहीं सोचा, जाकर देखा कि उनका बालक नाले में गिरा है, तुरंत ही वह नाले में गिर। ये नहीं देखा कि मैंने क्या पहना है, कपड़े हमें हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन भैया मां की प्यार हमें कभी संसार में दोबारा मिलने वाला। इतना सुनते सुनते जब मां का उस बालक को बाहर निकाला तो बालक को अपनी कीमती साड़ी से साफ किया और कहा पुत्र का मुख चूमते हुए कहा कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई, कहीं तुझे खरोच तक तो नहीं आई, अगर आई है तो बता मैं तुझे डॉक्टर के यहां।
इतना सुनते उस माँ की आंखों से आंसू निकल आए कि भैया मेरे बेटे को कहीं चोट तो नहीं है। इसलिए कभी कहता है जो इस संसार में आया है उसे जाना है और जो जाएगा वह वापस इस संसार में आएगा। कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जो हमें ये तन मिला है ये सब किराए का है। जब उस संसार से उस प्रभु का बुलावा आएगा तो हमें यह सब छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार में हम लोग कहते हैं ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये दौलत हमारी है, परंतु ये कहता है कि उस संसार में जाकर भी तेरा हमारा है। कोई नहीं कहता भैया कि उस संसार में भी, उस संसार में भी, लेकिन आखिर का सत्य यही है अंत में संसार की यात्रा पूरी करने के बाद उस संसार में ही जाकर हमारा बसेरा है। इसलिए कहता है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी बड़ा किया और
एकाग्रचित करके उस दिवंगत आत्मा को यह जो हमने तीन बार गायत्री मंत्र का जाप किया अर्पण करें और साथ ही प्रांत से भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान में आइए मौन धारण करके ओम शांति शांति शांति। रामचंद्र भगवान की पुष्प प्रसाद वर्तमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से और श्री ज्ञानस्त्र मंदिर सभा रजिस्टर जब की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है उनको हम परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए साथ साथ रसम पकड़ी और साथ साथ आरती हो। बोलिए गुरु भगवान की जय। ओम जय स्वामी मनोहर हरि हर स्वामी भगवान
लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्वा भवेत् ओम शांति शांति शांति। परिवार वाले से हाजिर होकर मिलती है परिवार की तरफ से ओम शांति शांति।